सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन से कुछ इस तरह का वायरल रील्स वीडियो को बनाना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन से कुछ इस तरह का वायरल रील्स वीडियो को फ्री में बना सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, अपने फोन के आपको प्ले स्टोर को ओपन करके आपको अपने फोन में बिंग एप्लीकेशन को सर्च करके इस एप्लीकेशन को अपने फोन में आपको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने इसको पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, बाद में दिखाता हूँ इसको ओपन करके कि कैसे आप इसमें फोटो वगैरह को बना सकते हो और कैसे आप इसमें वीडियो वगैरह को क्रिएट कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे में एक एप्स का ऑप्शन होगा, तो आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है फर्स्ट में इमेज क्रिएटर का ऑप्शन, ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जो कि मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो आपको पहले इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च बार का एक ऑप्शन होगा, तो आपको इस पर क्लिक करके आपको इसमें टेक्स्ट को ऐड कर देना है। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया है, मैं दिखाता हूँ पहले इसको पेस्ट करके। तो यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट को पेस्ट किया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप चाहो तो वहाँ से उसको देख के यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। टाइपिंग करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक यूजर नेम का ऑप्शन होगा, जहाँ पर कि मैंने अपने नेम को टाइपिंग किया है, मैं दिखाता हूँ पहले इसको कैंसिल करके। कैंसिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से अपने नाम को इसमें ऐड करना है, जिस भी नाम से आप अपने फोटो को बनाना चाहते हो। तो यहाँ से मैं एग्जांपल के लिए इसमें रॉकी नेम को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना है क्रिएट पे क्लिक। क्रिएट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से कुछ सेकंड वेट करना होगा। एंड अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से मेरा कितना प्रोफेशनल 3D AI फोटो बन के आ चुका है। तो इस तरह से पहले अपने फोटो को आपको क्रिएट करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जो भी आपको इसमें से बेस्ट लग रहा है। डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली बैक कर देंगे। एंड उसके बाद आपको यहाँ से करना है अपने फोन में VN एप्लीकेशन को ओपन। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से एक प्लस का आइकॉन होगा, तो आपको सिंपली प्लस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद करना है न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक, और यहाँ से आपको वीडियो और फोटो का ऑप्शन होगा, तो आपको सिंपली जाना है फोटो वाले ऑप्शन पर। इस पे जाएंगे और यहाँ से आपको कर लेना है उसी फोटो को सिलेक्ट जो आपने क्रिएट किया होगा। तो अभी मैंने इस फोटो किया था क्रिएट, मेरा यहाँ पे शो हो चुका है, इसको कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। तो आपको जिस भी फोटो को वीडियो बनाना है उसको पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सबसे लास्ट में जाना है इधर स्क्रॉल करते हुए और लास्ट वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करके इसके लेंथ को आपको पहले बड़ा कर देना है, जितना सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हो आप उतना सेकंड का इसको रख सकते हो। तो यहाँ से मैंने मिनिमम 10 सेकंड कर दिया है। उसके बाद आपको वीडियो को फास्ट में आ जाना है, और उसके बाद जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्प्लिट का ऑप्शन, ठीक है, आपको इस पे क्लिक करके अपनी वीडियो को पहले इस तरह से कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद मैं दिखाता हूँ कैसे आप इसको एडिटिंग कर सकते हो। कटिंग करने के बाद आपको सिंपली वीडियो को फास्ट में आ जाना है। तो इस तरह से पहले अपने फोटो को आपको कटिंग कर देना है। ठीक है, कटिंग करने के बाद आपको सिंपली जाना है सेकंड नंबर वाले लेयर पर, और यहाँ से आपको करना है एफेक्ट्स पे क्लिक। एफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से बहुत सारा एफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप अपने नॉर्मल वीडियो में लगा कर अपने वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हो। तो आप लोग चाहो तो इसमें से किसी को भी अपने वीडियो में ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करेंगे उसके बाद करेंगे ओके पे क्लिक, हमारे वीडियो में भी ये ऐड हो गया होगा। एंड उसके बाद आपको जाना है दूसरे नंबर वाले लेयर पर, ठीक है, उसके बाद करना है फिर से एफेक्ट्स पे क्लिक, और यहाँ से आपको इसमें भी एफेक्ट्स को ऐड कर देना है। उसके बाद ओके करेंगे, इसमें हमारा एफेक्ट्स ऐड हो चुका है दोनों वीडियो में। एंड उसके बाद आपको जाना है तीसरे नंबर वाले लेयर पर, ठीक है, उसके बाद आपको करना है फिर से एफेक्ट्स पे क्लिक, आपको इसमें भी एफेक्ट्स को लगा देना है। तो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से मैंने सभी लेयर में जाके एफेक्ट्स को लगा दिया है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको सिंपली इस पे क्लिक करके इसको पहले आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कैसे आप इसको जो है प्रोफेशनल तरीके से फिर से एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पर मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद इसको बैक करके आपको क्या करना है, अपने फोन में आपको बीटा ऐप को इंस्टॉल करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ करना है प्लस पे क्लिक। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से वीडियो का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको करना है उसी वीडियो को सिलेक्ट जो आपने क्रिएट किया होगा। तो यहाँ से मैंने इसको किया था क्रिएट, अभी इसको करता हूँ सिलेक्ट, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करके अपने वीडियो को यहाँ पर एड कर लेंगे। उसके बाद जो आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है एक इफेक्ट का ऑप्शन, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, फिर से करेंगे इफेक्ट पे क्लिक, और आपको यहाँ से जाना है सबसे लास्ट में इस तरह से स्क्रॉल करते हुए। लास्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से एक बिलिंग का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो आपको सिंपली बिलिंग पे क्लिक कर देना है। बिलिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से एक मिल जाएगा बॉक्स ब्रोकन का इफेक्ट, तो आपको इस पे क्लिक करके इसको अपने वीडियो में एड कर देंगे। ओके कर देंगे, हमारे वीडियो में ये एड हो जाएगा। तो इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से इसको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से कर लेना है इस वीडियो को एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद मैं दिखाता हूँ कि मेरा वीडियो प्रोफेशनल तरीके से बना या नहीं बना। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ से मेरा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ अपने गैलरी को ओपन करके कि मेरा वीडियो मेरे गैलरी में सेव हुआ है नहीं हुआ। इसको ओपन करेंगे और यहाँ से मेरा वीडियो मेरे गैलरी में सेव हो चुका है। आप लोग इस तरह से किसी भी स्मार्टफोन से इस तरह का प्रोफेशनल वीडियो को बना सकते हो, जो कि अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम पर बहुत ही वायरल हो रहा है। सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।